तो 5 दिन हो गए पूरे के पूरे, और आपको मेरी शक्ल देख के ऐसा लग रहा होगा कि मैं शायद नहाया धोया नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरा प्रॉपर नहा चुका हूँ। और इस वक्त तो बाहर धूप से आया था, तो मेरी शक्ल ऐसी सी थोड़ी सी ऐसी हो रही है जैसे मैं सुस्त सा बंदा, मतलब सो के उठ गया ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं प्रॉपर नहाया हुआ हूँ। लेकिन ये धूप के चक्कर में, पसीने के चक्कर में शक्ल ख़राब हो जाती है। अभी तो काम भी कुछ नहीं है इस लॉकडाउन के अंदर, कुछ काम भी नहीं, मतलब काम हो ही नहीं पा रहा बिल्कुल भी। एक दो जगह देख गया था मैं किसी काम से, तो वो काम हो नहीं पाया मेरा। व्लॉग्स भी सोच रहा हूँ जल्दी से कैमरा आए तो और प्रॉपर व्लॉग्स बने, क्योंकि मेन क्लैरिटी होती है, और वीडियो को अगर जितना हम HD लुक दे सकते हैं वीडियो के, वो तो उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक मेन होती है एडिटिंग, तो क्लैरिटी और एक एडिटिंग, इन दो चीज़ों में आपका व्लॉग बहुत बहुत बढ़िया हो जाता है, बहुत ही बढ़िया हो जाता है। और अक्सर बहुत से लोग कहते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में कि मेरे दोनों दोस्त जो कि मुकुंद गौतम, वो दोनों आते हैं तो व्लॉग और अच्छा हो जाता है। तो यार अभी उन लोगों से मिलना नहीं हो पा रहा लॉकडाउन के चक्कर में, बाकी जैसे ही हम मिलते हैं तो देखो व्लॉग तो आपको बढ़िया मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जब हम तीन इकट्ठे होते तो व्लॉग मतलब 100 into 1000 हो जाता है। 100 into आप लगा लो कहाँ तक लगा सकते हो, तो इतना डबल से भी डबल मज़ा आपको मिलता है हम तीनों जब इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिलहाल तो अभी मैंने बढ़िया से शेविंग कर ली है, मुझे हो सकता है कहीं बाहर जाना पड़े, लेकिन अगर नहीं भी जाना हुआ तो देखेंगे, लेकिन फिर भी मैंने कर ली। एक तो पता नहीं जैसे कोई आंधी तूफान आता है लाइट बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाती है। मेन मोटिव से पतला होना है अभी फ़िलहाल, और 6 महीने के अंदर अपना वेट मेरे को बहुत बहुत से, मतलब 10 किलो कम से कम, 20 किलो कम करना है मुझे। इंस्टीट्यूट टाइम में बहुत पतला था, क्योंकि इस वक्त मैंने क्या किया था कि मैं बहुत, एक साल के अंदर मैंने बहुत खूब ठूस के खाया खूब, जिस वजह से मैंने अपना वज़न चेक भी नहीं किया, वेट चेक भी नहीं किया। और अब मुझे, मेरे को पता है, ओवर कॉन्फिडेंस आया था कि मैंने वेट कम कर लिया तो अब खाओ पियो दोबारा वेट कम कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता बिल्कुल भी। लेकिन अब करना है डेफिनेटली 20 किलो कम से कम करना है, लेकिन अभी मैं आपको अपना वेट नहीं दिखाऊंगा, तो लेकिन जब कम हो जाएगा मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। और अपनी प्रॉपर फिटनेस बरकरार रखनी है जैसी फिट हो जाऊंगा मैं। और अभी शाम हो चुकी है और मैं बहुत देर से छत पे ही था, और खूब मस्त हवा चल रही है। ये वाला जो प्लेन मैंने आपको दिखाया था, ये मतलब लैंड करने वाला था, लेकिन इसको यहाँ तो एयरपोर्ट पे जगह नहीं मिली, यहाँ पता नहीं क्या हुआ, तो इसने वापस से राउंड मारा एयरपोर्ट में लैंड करने के लिए, फिर जाके लैंड हुआ होगा। दूसरी चीज़ तो कुछ है ही नहीं। तो छत पर आके बहुत मज़ा आ गया, मतलब खूब मैं घूमा, और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिश भी आई थी थोड़ी सी, और बहुत मज़ेदार मस्त मौसम हो रहा है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या जितने भी बिगनर हैं यूट्यूबर्स, इस वक्त अभी पीपॉय चैनल आप सबको पता होगा, तो मैं वो देख रहा था, उन्होंने अभी 1 घंटे पहले वीडियो अपलोड करी थी कि एक पारस सिंह नाम का लड़का है जो कि 6 दिन के लिए जेल में गया है दरअसल। और वो क्यों जेल में गया है, उसका रीज़न सिर्फ ये था कि गेमिंग चैनल था 3-4 दोस्तों का, पारस सिंह करके कोई लड़का है जो अभी नया यूट्यूबर यूट्यूब चैनल उसका ग्रो हुआ है, उसमें 3-4 दोस्त मिलके, शायद 2 या 3 दोस्त थे जो कि गेमिंग कर रहे थे उस वक्त लाइव। अब यार बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम गेमिंग, मतलब यूट्यूब पे लाइव हैं
तो मुंह से कुछ बातें ऐसी निकल जाती हैं नहीं पता चलता हमें, लेकिन बहुत से लोग नज़रों में आ जाते हैं। वो बंदा 6 दिन के लिए उस वजह से 6 दिन के लिए जेल में गया है, और अभी अपडेट कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन यार सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बंदा नज़रों में नहीं आ रहा वो तो चलो ठीक है, बचा हुआ है, या फिर जो बंदा आ चुका है उसके लिए यार कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम होती है कि जो माथे पे थप्पा लग जाता है एक ज़िंदगी में कि हाँ भी ये बंदा जेल में गया हुआ है, वो सबसे बेकार चीज़ होती है। तो यार आप सबसे भी यही कहूँगा कि सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप सब थोड़ा इस चीज़ पे गौर करना कि कभी भी किसी के लिए गलत वर्डिंग्स ना निकले आपके मुंह से, वरना कौन लोग कैसे लोग आपके लिए और क्या क्या एलिगेशंस लगा सकते हैं कुछ नहीं पता। अगर आप लोग नज़रों में आ गए सामने तो इस चीज़ का कुछ नहीं कह सकते, और गवर्नमेंट अपने हिसाब से ही अपने तरीके से ही सब हैंडल करती है। और बस यही कहना था कि थोड़ा YouTube वगैरह पे भी, कितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई भी हो जाए, थोड़ा सा हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर कंट्री या किसी पर्टिकुलर बंदे के बारे में मतलब कुछ बोलो ही मत, ना किसी धर्म वर्म के बारे में बोलो यार, कुछ बोलो ही मत, बस अपनी मौज मस्ती करो, अपने में खुश रहो, अपनी मतलब बातें बातें करो, बस इस चीज़ का ध्यान रखो, किसी के लिए बुरा मत कहो। क्योंकि कुछ गलती आपकी, अगर आपने किसी के लिए बुरा नहीं भी बोला तो सामने वाला इंसान आपकी बात का क्या मतलब निकाल सकता है, कुछ नहीं पता। किसी के बारे में बोलना बेकार ही है आज की डेट में। तो बाकी थोड़ा मेरे को लगा इन्फॉर्मेटिव है तो मैंने बता दिया आपको। मतलब 365 डेज़ का मैं चैलेंज लूँगा रेगुलर वीडियोज़ डालने का, क्योंकि फ़ोन से तो नहीं हो पाता यार, वो काम नहीं हो पाता रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करना और रेगुलर व्लॉग शूट करना, फ़ोन से नहीं हो पाता क्योंकि फ़ोन में बहुत सारे काम भी होते हैं, फ़ोन्स कॉल भी रिसीव करनी होती है मतलब, और दूसरी चीज़ फ़ोन वैसे ही हैंग हो जाता है अगर मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो इस वक्त भी एयरप्लेन मोड डाल के मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। इस वक्त बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। और इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल, लाइक सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर कर देना मेरा चैनल। अंधेरा हो चुका है, व्लॉग्स धीरे धीरे डलते रहेंगे। जिस दिन कैमरा आ गया, 365 डेज का चैलेंज रहेगा कि मैं व्लॉग रेगुलर डालूंगा ही डालूंगा। तो इसी के साथ टाटा बाय बाय।